नमस्कार, मैं आमिर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। भारत की केंद्र सरकार लगातार टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है, विज्ञापन चलाती है, दूरदर्शन, अन्य न्यूज़ चैनल, टीवी चैनल पे कई तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के विज्ञापन चलते हुए नज़र आते हैं। लेकिन एक विज्ञापन जो न्यूज़ चैनल पर नहीं चलता, वो मेरा सुझाव है कि वो भी चलाना चाहिए। वो विज्ञापन होना चाहिए कि अगर पूरी दुनिया में आपको सबसे अच्छी हिपोक्रेसी देखनी है तो आप हमारे देश भारत देश आइए। दरअसल मैं जिस हिपोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, वो हिपोक्रेसी हमारी सरकार ही करती है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने अलग अलग वर्ग के हिसाब से अलग अलग न्यूनतम मजदूरी दर तय किया है। अभी आप अपने स्क्रीन पर बिहार सरकार का एक कागज़ देख रहे हैं। ये कागज़ बिहार सरकार ने निकाला है और ये कहा था कि अलग अलग वर्ग के हिसाब से अलग अलग प्रतिदिन मजदूरी तय की गई है, और अगर कोई इससे कम मजदूरी किसी को भी देता है तो ये एक कानूनन अपराध होगा और लेबर लॉ के तहत उन्हें गिरफ्तार या उन्हें दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया, उन्हें दंड देना पड़ सकता है या उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन ये नियम कायदा कानून खुद सरकार जब तोड़ती नज़र आती है तो आप लाख प्रदर्शन कर लें या कुछ भी कर लें, सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगती है। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की न्यूनतम मजदूरी कितनी है क्या आपको पता है? आंगनबाड़ी सेविका को 6,000 रुपये प्रति महीने मिलते हैं और आंगनबाड़ी सहायिका को 3,000 रुपये प्रति महीने मिलते हैं। इसी में वो अपना घर, आने जाने का खर्चा और बाकी चीज़ों का खर्चा मैनेज करती हैं। इस महंगाई के दौर में जहां पर टमाटर 100-120 रुपये किलो मिलता है, वहां पर ये लोग 3,000 और 6,000 रुपये प्रति महीने के आय में अपने परिवार का गुजारा करती हैं। इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि सरकार ने इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन सरकार ने ये टिप्पणी नहीं की कि इनके साथ गलत हो रहा है या इनकी आय बढ़ाई जाएगी, बल्कि सरकार के मंत्री मदन सहनी ने ये टिप्पणी की कि इन्हें काम ही कितना होता है, 4 घंटे के काम के लिए इतनी आय ठीक है। लेकिन आप इनके कामों का जब ब्यौरा सुनेंगे तो आप शायद खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये 4 घंटे में इतना काम कैसे करती हैं। दरअसल आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को घर घर घूम के सारे बच्चों को इकट्ठा करना, उन्हें पढ़ाना, उनके लिए पोषाहार बनाना, उन्हें खिलाना, उनके स्वच्छता पर ध्यान देना, इसके अलावा गर्भवती महिलाओं और किशोरियों के बीच में आयरन की गोलियों का वितरण करना, टीकाकरण करना, अभी बिहार में जो जातिगत जनगणना शुरू है उसमें जनगणना करना, BLO का काम करना, ये सारा काम आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका इसी आय में करती हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि 4 घंटे के काम में, इतना वक्त में इतना सारा काम आखिरकार ये लोग कैसे करते हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ पूरे दिन में 4 घंटा सो सकते हैं तो ये लोग सिर्फ 4 घंटा काम कर रहे हैं। इसी लॉजिक के हिसाब से इनकी आय आज तक इतनी कम रखी गई है। ये अपना खर्चा कैसे चलाती हैं, बीमारी में कर्जा लेकर कैसे इलाज करवाती हैं, आप आने वाले वीडियो में देखिए प्रवीण की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। मेरा वेतन नहीं दे रहा है, ये जो नीतीश कुमार, ये जो मोदी जी कहले हैं, इतनी सा पैसा देते हैं हम लोग के, 2975 रुपया महीना ने। बताइए इतना से कितना हम लोग परिवार के पढ़ाएंगे, कितना कैसे कपड़ा पहनाएंगे, कैसे खाना खिलाएंगे, पूर्ति होता है? इतना में नीतीश कुमार या हम नरेंद्र मोदी हिसाब करके हम लोग के बता दे कि महीना दिन 5 परिवार के हम चला सकते हैं हर चीज़ में। हम लोग को बहुत सरकार है, 24 घंटा काम करना पड़ता है। सरकार कहती है कि 4 घंटा है, लेकिन हम लोग को कारण से 24 घंटा करना पड़ता है। कारण कि ठीक है, समय दिया है 7:30 से 11:30, लेकिन यदि 11:30 के बाद हमारे घर कोई आ जाए कि मैडम हमारे यहाँ कोई बीमार है, हमको हॉस्पिटल का कुछ रास्ता बताइए, तो क्या हम उसको नहीं बताएंगे? या और बहुत सा काम आ जाता है, कभी सर्वे करना है तो 24 घंटा में करके देना है, तो 24 घंटा काम हम करेंगे तब तो 24 घंटा में सर्वे करके देंगे, कैसे करके देंगे? इसीलिए सरकार से हम लोग का मांग है कि चाहे तो हम लोग को मानदेय दे तो कम से कम 26,000 रुपया दे, नहीं तो हम लोग को सरकारी कर्मचारी घोषित करें।
मैम आंगनबाड़ी चला रहे हैं आपको, क्या क्या समस्याएं आती है? समस्या तो आते हैं, बिजली है, सबका दिक्कत होता है, पानी तो सरकारी नल से है ही है। गर्मी में भी काफी दिक्कत? हाँ हाँ दिक्कत होता है। मैम कितना वेतन मिलता है आपको? 5,000-5,950। तो क्या वेतन कितने कितने महीने पर मिलता? 4-5 महीने पर कभी कभी आ जाता है, ऐसे फिर महीने में कभी कभी 2 महीने से। आंगनवाड़ी सेविका कितना सैलरी मिल रहा है? हम लोग को 5600 मिल रहा है अभी। हम लोग की मांग है 25, कम से कम 25। 5600 से ही आजकल के महंगाई में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बाल बच्चा का भी नहीं हो पाता है, रजिस्टर में हम लोग को बहुत परेशानी है, बहुत। हम लोग के मैंने रात दिन हम लोग ये नहीं देखते हैं, जहाँ मेरा रजिस्टर लेके बैठ जाए। कितना काम लिया जाता है आप लोगों से, क्या क्या काम करवाया? हम लोग के हो जाता है स्कूल में काम करना है, बच्चा लोग को पढ़ाना है, टीकाकरण करवाना है, गोद भराई करवाना, अनुप्राशन बनाना, बहुत सारा काम है, लेकिन 5600 में कोई पोसाय नहीं है, खाली हम लोग मजबूरी में कर रहे हैं। हम लोग परेशानी घर चलाने में भी है, गांव में घूर करके बच्चा को बुलाते हैं, छोटा छोटा बच्चा आता है उसको सिखलाते हैं, उसको मतलब लाइटिंग फटिंग कर देता है, वो भी हम लोग साफ करते हैं, अपना घर से ज़्यादा वहां पर ही करते हैं, तो पर भी इतना सु पैसा मिलता है, क्यों हम लोग आंगनबाड़ी में करेंगे? 3000 में 30 गो काम देता है, 30 गो काम कोई कर नहीं पाएगा, यहीं से फुर्सत नहीं मिलेगा, अपना बाल बच्चा खिलाने नहीं पाते हैं, कुछ करने नहीं पाते हैं, आधा घंटा आधा बेला से हम कहाँ जाएंगे कमाने? मेरा पूरा मतलब पूरा दिन का हमको हाजिरी चाहिए। लेबर में खटते हैं तो ले रहे हैं 400 रुपया लेबर, हम लोग के इतनी समय खटा रहे हैं, कितना पड़ता है? 100 रुपया भी नहीं पड़ता है पढ़े दिन। ये आंगनबाड़ी की सेविका और सहायिका की इतना कम सैलरी दी जाती है कि लोग कैसे भरण पोषण अपना कर पाती होगी, इसका ब्रह्मा ही मालिक होगा। ये डोर टू डोर सर्वे करती है, मलेरिया फलेरिया जितनी प्रकार की विभिन्न बीमारियां हैं, यहाँ तक कि कोरोना काल में भी अपनी जिंदगी को समर्पित करके इसने अपना कार्य करने का काम किया। लेकिन ये लोग की दैनिक मजदूरी जो मिलती है वो सुनने में भी असामान्य लगती है, और यह महंगाई की दौर में यह कैसे जी पाती है इसकी कल्पना करना भी खोरी झूठ होगा। बहुत परेशानियां होती है सर, बच्चे को मेंटेन करना, घर मेंटेन करना, हर चीज करना पॉसिबल नहीं है सर, रजिस्टर मेंटेन करना। परिवार का कितने लोग हैं आपके फैमिली? हम लोग 4 फैमिली हैं सर। बहुत परेशानी होता है सर, 1 महीना नहीं चल पाता है। हम लोग 5 परिवार के पोषण करने के लिए हम लोग खटते हैं, इसमें 3000 से कुछ नहीं होता, हम लोग के बच्चा भूखल रहता है, पढ़ नहीं पाता है, उसको कपड़ा नहीं जुटा पाते हैं, बोलते हैं कि 4 घंटा काम देते हैं, 4 घंटा की जगह पर 5 घंटा हम लोग काम करते हैं, 10 मिनट पहले 10 मिनट पीछे इन लोग चेक इन में जाता है, कभी CDPO कभी सुपरवाइजर। ठीक है आप लोग जाते हैं, टाइम पर जाइए, टाइम के बाद जाते हैं तो कहते हैं कहाँ गया है, तो हम लोग यहीं बैठल रहेंगे, दीजिएगा 2 घंटा के वेतन करेंगे 10 घंटा हम ड्यूटी। तो अभी क्या है, 4 महीना में 5 महीना में वेतन मिलता है, उसमें क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। आजकल मजदूर लोग को क्या है, 500 रुपया मिल रहा है, 500 है, 700 है, हम लोग को क्या है, 70-80 रुपया है, कुछ है कुछ नहीं, उससे क्या है? घर में जाते हैं, बाल बच्चा से डांट सुनते हैं, पति से भी डांट सुनते हैं, बाकी एक है सेवा करते हैं बच्चा लोग को, कि चलो भाई सेवा करके कभी कभी भगवान अगर कहीं कुछ ताक देंगे हम लोग सभी सहायता पर, तो हम लोग सभी सहायता और सभी सेविका लोग कुछ हम लोग को मिल जाए फल। अपना भी नहीं पेट भरता है तो हम लोग को बाल बच्चे को कैसे देखेंगे? हमारा भी तो बाल बच्चा है, हम दूसरे आंगनबाड़ी का बाल बच्चा की सेवा करते करते हम लोग खुद को पोषित हो जा रहे हैं। घर पर गए ऐसे ऐसे खाने भी नहीं खाते हैं, तुरंत ऑफिस आइए, ये फॉर्म जमा करना है, ये काम करना है, आज मीटिंग है, आज ये है, बहुत परेशानी, हम लोग चैन से रहने नहीं देते हैं। इमरजेंसी होता है तो भी नहीं आते, नहीं किसी से मांगते हैं, अगर ज्यादा सीरियस हो गया तो किसी से अगल बगल से मांगते हैं, समय पर वो भी नहीं देता है। 3000 में क्या होगा हम लोग को, अपना तो पालन पोषण चल नहीं रहा, महंगाई उतने है, महंगाई तो आकाश छू रहा है, हम लोग को कोई देखने वाला नहीं है, कोई बाप माई नहीं है, इतना महंगाई में कैसे चलेंगे? अभी सब्जी लाने जाते हैं 100 रुपया से कोई सब्जी नीचे नहीं है, कैसे हम लोग 5 परिवार खाएंगे? तो ये हम लोग का भूखल मारते हैं या क्या चीज करते हैं? इसीलिए हम लोग आज भूखे प्यासे इसीलिए बैठे हैं कि हमको रास्ता निकाले, या सरकारी करे
या तो हम लोग का वेतन बढ़ावे। आपने देखा कि किस तरीके से ये जो सेविका सहायिका है लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, इनके प्रदर्शन पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जब हम लोग इनके घर जाते हैं तो आसपास के लोग जो हमसे बात कर रहे होते हैं वो भावुक हो जाते हैं, वो चकित रहते हैं कि आखिरकार 3,000 और 6,000 रुपए में ये अपना घर कैसे चलाती हैं। बच्चियों के एडमिशन की वो फीस नहीं दे पाती हैं, अपने इलाज के लिए खर्चा नहीं जुटा पाती हैं, और उसके बाद भी जब प्रधानमंत्री मोदी कोविड के टीकाकरण को लेकर मन की बात करते हैं तो सारा श्रेय लेते हैं, कहते हैं कि उन्होंने 150 करोड़ 200 करोड़ टीकाकरण कराया। टीकाकरण कराने में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का क्या योगदान था, इस पर भी कोई बात नहीं करता है। आपको हमारी ये पूरी रिपोर्ट कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप फेसबुक पे आप हमारे पेज को फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे हमारे आईडी को फॉलो करें, ट्विटर पे भी हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।